तो गाइस देख है सकते यार। तिवारी गांव आनंद लेते हुए दोस्तों, गर्म गर्माहट मिलेगी गाइस। देख सकते यहाँ शैतानियां करने वाले, सारे जहां से अच्छा प्यार कभी खत्म ना हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आज के और एक नए वीडियो पर। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल को देखकर आपने देखा ही होगा कि हम लोग जा रहे हैं रोइंग। रोइंग से जस्ट 55 किलोमीटर दूर पड़ता है मायोडिया पास, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। कृपया आप लोग भी हो सके तो आइए, एकदम टूरिज्म को अट्रैक्ट करने वाला जगह है जो कि बहुत ही सुंदर है। एक जीता जागता स्विट्जरलैंड है क्योंकि बहुत ही सुंदर है उसमें। अभी जस्ट मौसम भी काफ़ी अच्छा है और कल दिया वाला कल को बारिश दिया था, बारिश के कारण अभी शायद बर्फ स्नोफॉल हो रहा होगा। आई डोंट नो कि हो रहा है कि नहीं। हम आपको वहां पर जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है और वहाँ का जो व्यू है वो आपको दिखाएंगे। So guys, finally we are heading towards to Mayodhya Rowing. Guys, abhi hum ja rahe hain. मेरा दोस्त मिल चुका है, देखिए हम इसके घर आए हुए हैं थोड़ा रेस करने के लिए, थोड़े बहुत देख सकते हैं हमारा पार्टनर मिस्टर शंकर निमन बा यहाँ बसो। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग फाइनली हम हमारे दोस्त के घर आए हुए हैं। सुबह सुबह निकल सो गाइस देख सकते हैं जैसे हम लोग रोइंग पहुंचे, रोइंग पहुंचने के बाद हम लोग के शंकर भाई के दुकान पर थोड़े बहुत गुप्त हो गए। जैसे मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में दिखाया था उनके घर हम लोग गए थे तो चाय नाश्ता बड़े मजेदार से उनके दीदी ने हमें खिलाया, बहुत ही अच्छा लगा। ये तो आपका बड़प्पन है कि मजे से खिलाया बोल के ना। जो हुआ परिवार को। और हम दोनों ब्रदर्स अभी निकलेंगे मायोडिया के लिए। देख सकते हैं ये है शंकर का शॉप जो कि हर एक चीज में डील करते हैं ये लोग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फर्नीचर हो। आप आ सकते हैं रोहित, बहुत ही मजेदार है। रोइंग पे आपका मार्केट का बिल्कुल आप तेजू से आते हुए लेफ्ट साइड हो जाइए तो सैमसंग के साथ। तो गाइस अभी हम इनके शॉप इलेक्ट्रॉनिक शॉप तो आपको दिखा दिया, अभी हम आपका आपको इनके फर्नीचर शॉप को भी हम दिखाएंगे। सो गाइस आप चेक कर सकते हैं इधर पे इनका फर्नीचर शॉप, जो कि हर चीज का लग्जरियस
फर्नीचर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं, डाइनिंग हो या बेड हो या सुपर सीट हो, हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है इधर। सो गाइस देख सकते हैं इधर पर जावा, टोयोटो, किया, हर एक चीज़ का शोरूम आपको देखने को मिल रहा है। इसके जस्ट ऑपोजिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है खुशी इलेक्ट्रॉनिक्स और खुशी स्टील, देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ के स्टाफ जो मिस्टर शंकर है, शंकर बताइए आपने ये शॉप के बारे में थोड़ा बहुत। शॉप के बारे में क्या बताएगा, जो कुछ है यही है, जब आइए ऑफर सब चलता है, कभी कभी हम लोग ऑफर भी देता है दुर्गा पूजा। अभी तो फिलहाल दुर्गा पूजा है नहीं, तो आज अभी क्या ऑफर चल रहा है? अभी डिस्काउंट है, बहुत सारा डिस्काउंट है, जैसे कि ऑफर हो गया, ऑफर में हम लोग बोल के ऑफर में नहीं देता है। अच्छा, जो भी ऑफर मतलब जो अच्छा रिस्पांस करेगा, ऑफर ऑफर बोल के ऑफर नहीं है अभी, लेकिन ऑफर चलता रहता है, मतलब 50%। कभी कभी स्पीकर वगैरह में तो 50%, 60% और 60 नहीं होता है, 40 होता है, 30 होता है, और ये फर्नीचर वगैरह में भी ऑफर है। अच्छा, मालिक है हम लोग का, मालिक ये है हम लोग के खुशी स्टील के ओनर। बताइए भैया कुछ आपके शॉप के बारे में। हमारे शॉप के बारे में क्या बताएगा, प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर मिल जाएगा। आप कुछ अगर अलग से आप अपना कैटलॉग वगैरह देख के, हाँ, घर घर का लिए अगर ये कराना चाहता है तो उसके लिए भी फर्नीचर मिल जाएगा। अच्छा, यही फर्नीचर का सब वेरायटी अवेलेबल है, आइए एक बार आके विजिट कीजिए, देखिए। सही है, सही, देखिए गाइस आप देख सकते हैं इधर पर, वाकई में मैं तो एकदम क्या ही बोलूं, जब मेरा शादी होगा तो मैं 100% यहाँ से मैं बुक करने वाला हूँ। गाइस देख सकते हैं इतना प्रीमियम प्रीमियम चीज है ना, देखिए व्हाट अ ग्रेट, सच का, चाहे बेड हो या चाहे सोफा सीट हो या डेकोरेट आइटम हो या अलमारी हो या देखिए कंबल हो या हर चीज यहाँ में मिलता है, देख सकते हैं। मैं अभी दोस्त के साथ आया हूँ अभी। गाइस फाइनली आप लोग ने देख लिया होगा यहाँ में खुशी स्टील, खुशी इलेक्ट्रॉनिक का ये शॉप जो कि रोहिणी पड़ता है, देख सकते हैं हर एक चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। गाइस काइंडली विजिट एंड आप आइए, देखिए, दाम मिलाइए, डिस्काउंट पाइए, बहुत ही लाजवाब ऑफर में आपको डील मिल जाएगा। ये लोग अलविदा कर रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं माइडिया के लिए, थोड़ा बहुत घूम के आ जाएंगे, माइडिया भी घूमने आई है, बहुत सारा बर्फ गिरा, अभी बर्फ दे रहा है वहाँ पे, एकदम 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 रिसेंट स्नोफॉल मिलेगा आपको, आप जब माइडिया जब आते हो विजिट करते हो तो एक बार यहाँ ये शॉप में भी विजिट कर लीजिए, देखिए अच्छा से, आप जानकारी लीजिए, आपको कहीं कष्ट करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रास्ता के सामने। चेक करें गाइस, टोटली डिफरेंट यार, पहाड़ों के इन वादियों में हम लुप्त हो चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। Thank you.
गाइस फाइनली हम लोग रोइंग से 20 या 25 किलोमीटर अब आ चुके हैं और यहाँ में काफ़ी सुंदर सा छोटा सा गांव है जिनका नाम तिवारी गांव से जाना जाता है। अभी लगभग 20 किलोमीटर एप्रोक्स हो सकता है, हम लोग को भी एक्जैक्टली आइडिया नहीं है। देख सकते हैं इधर में काफ़ी सुंदर वादियों के साथ हम खड़े हैं। अभी थोड़ा बहुत फोगी फोगी हो चुका है, ये देख सकते हैं तिवारी गांव फाइनली। कुछ कुछ देखो गाइस, देख सकते हैं इतना क्यूट सा पप्पी। सो गाइस अभी 8 किलोमीटर दूर है, हम लोग आ चुके हैं। हमारे राइडर साहब को पूरा ठंड लग चुकी है तो डबल ग्लव पहन रहे हैं। मेरा ग्लव बैग में है, अभी मैंने उतारा नहीं है, लगाया नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से फोगी फोगी होते हुए गाइस। देख सकते हैं जैसे कि फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, जो कि देख सकते हैं माइडियो पास। गाइस इसमें एक्स प्रोविटेड इन ए सेंचुरी, इसमें कुछ दिखाया गया है दोस्तों। इधर में देख सकते हैं किस तरह का रूल एंड रेगुलेशन है, आप अच्छे से इसमें पढ़िए। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। देख सकते हैं गाइस बहुत ही ठंड है, पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। और इसी के चलते हम लोग ने कुछ लाए थे खाने के लिए, देख सकते हैं ये है नट, देख सकते हैं तामुल लेके आए थे। तो गाइस इसको खाने के बाद हमें गर्माहट मिलेगी। गाइस देख सकते हैं तामुल लेके आया था। गाइस देख सकते हैं इधर पर चारों तरफ स्नो ही स्नो, बहुत संभाल के चलना पड़ता है गाइस। मैं जस्ट अभी अभी फिसल गया था, ये कर रहे ना बहुत ही ठंडा है दोस्त। गाइस फुल स्नो ही स्नो। मिस्टर अभिषेक देख सकते हैं पूरा जोश में है। तो कैसा लग रहा है इस जगह पे आके, माइडिया पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त है ना? सोचा था वैसा ही है, हमने सोचा था मतलब
छोटा मोटा बर्फ होगा लेकिन ठीक है, जितना सोचा था उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूँ अच्छा है, इधर केयरफुली होके आना है बस गाइस। आप लोग को रास्ता थोड़ा मतलब हमें भी रास्ता का कोई पता नहीं था लेकिन हम भी आ गए बस। हाँ गाइस, अगर मन में हौसला हो तो कामयाबी का मैसेज छू लेते हैं, तो हौसला बिल्कुल सही सही। हाँ इसी चक्कर में आए, ये देखिए आप लोग इसको पानी बोल के मतलब आप लोग कैसे आपके हाथ में कुछ फील नहीं होता, ऐसा साफ पूरे साफ हो जाते काफी ठंडे। देखिए पूरा लाल हो गया है और सो गाइस देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, स्नो ही स्नो। मेरा मुंह मेरा लिप सूख चुका है टोटली, बहुत ही ठंडा है गाइस। देखिए पूरा फुल पैक के साथ हैंड ग्लोव के साथ आना आप लोग भी, हालांकि रास्ता बहुत उबर खाबर है, बहुत ही सोच समझ के आना। हर एक टर्निंग पर आप हॉर्न बजाते आना, जितना हो सके बहुत संभाल के आना। रास्ते बहुत अच्छे हैं, रास्ते पूरा क्लियर है लेकिन संभाल के आना आपकी जिम्मेदारी होती है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है गाइस, देख सकते हैं इसको कुछ भी कर सकते हैं, ये कभी भीजता नहीं है। और ऐसे करने से देखिए गाइस टाइट हो गया गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस या। हेलो गाइस देख सकते हैं मेरे साथ अभिषेक आया हुआ है जो काफी एंजॉय कर रहे हैं। बेसी साइड साइड ना जाओ, देख सकते हैं थोड़े ये नादानियां शैतानियां करने वाले हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है गाइस, देख सकते हैं। ओ वाह ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। और गाइस देख सकते हैं इतने अच्छे वाइट वाइट स्नो के साथ लोगों ने देखे किस प्रकार से इधर पर ही गुटखा खा के, ये तो कते गलत है गाइस फिर भी आए हुए हैं इधर। बहुत ही ठंडा है, मेरा गला सूख रहा है गाइस। जगह बहुत ही मस्त है, अभी तो थोड़ा बहुत कोहरा कोहरा हो रहा है, ऊंचाइयों पे देखिए किस प्रकार का है। हैंड ग्लोव खोल लिया वीडियो बनाने के लिए क्योंकि हैंड ग्लोव लगाने से अच्छे से ग्रिप नहीं पकड़ता है दोस्तों, इसीलिए जीता जागता स्विट्जरलैंड। हमारे अरुणाचल प्रदेश भी कोई स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। दीदी लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए आसाम से। आसाम से तो कैसे लग रहा है? मैं तो पुणे से आई हूँ। आप पुणे से? अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिए यही स्विट्जरलैंड है जी, बिल्कुल हमारे इससे सुंदर जगह और हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमारे स्विट्जरलैंड है एकदम बिल्कुल स्विट्जरलैंड। हमारे मैडम लोग आसाम से आए हुए हैं और मैडम जो बहुत दूर काफी किलोमीटर हजारों किलोमीटर दूर से आए हुए हैं पुणे से, जो कि बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखिए गाइस अरुणाचल प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है, यहाँ पर टूरिस्ट टूरिज्म की एक भरपूर आनंद उठा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत केयरिंग है, आपको हर पल आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो मैडम ने बिल्कुल 100% सही बोल है। देख सकते हैं गाइस बहुत ही अच्छा लगा मैडम लोग से बात करके। देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, हालांकि मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, जब भी आप आते हैं तो कृपया करके इसके एजेस पर ना जाएं क्योंकि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आप जब भी आएंगे आप सद्या से आइए या तेजू से आइए या बहुत कहीं से भी आइए, डेस्टिनेशन सेम पड़ता है। फर्स्ट आपको रोइंग बाजार सिटी मिलता है, उसके बाद आपको रोइंग से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये मायोडिया प्लेस आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आकर आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं। भारतवर्ष में इतनी सुंदर सुंदर जगह है देखने लायक, जहाँ हम लोग पहुँचे ही नहीं है वहाँ सब आइए, सब देखिए, अरुणाचल देखिए, पूरा बहुत खूबसूरत है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल सही मैडम, सही मैडम, देख सकते हैं मैडम। मैंने हालांकि आपको पहले ही बता दिया था, मैडम जो पुणे से आई हुई है इतने लंबे सफर करके यहाँ पर पहुँची है आप, हालांकि आप अरुणाचल में बैठ के भी जो इस चीज का इस ये नज़ारे का आनंद नहीं उठा पाए वो क्या आनंद उठा पाए होंगे। और सर हिंदू
हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। बिल्कुल, अगर लोग यहाँ अपना अपना प्रोग्राम करके पूरे हिंदुस्तान में घूमे तो बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी में हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक सुनहरा प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, जो काफी खूबसूरत है, और सरकार ने यहाँ पर भरपूर काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आने वाले वर्षों में अगर इसी तरह का काम करेंगी तो यहाँ काफी टूरिस्ट बाहर के आएंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है। कृपया इस चीज पर ध्यान दीजिए। आप स्विट्जरलैंड जाते हैं, आप आउट कंट्री बोलते हैं, हालांकि देखिए हम लोग का प्रदेश, हम लोग का देश, हम लोग का हिंदुस्तान में किसी चीज का कमी नहीं। यहाँ पर हर चीज का संगम देखने को मिलेगा, नदी, नाला, पर्वत, झरने, तालाब, सुंदरता। गाइस देख सकते हैं जो कि मैडम लोग काफी एंजॉय करते हुए इधर पे देख सकते हैं। मैडम कुछ दो शब्द आपसे। मैं तो यही बोलना चाहूंगी, इंडिया में जितनी खूबसूरती है कहीं भी नहीं है, क्यों विदेशों में लोग जाते हैं? एक्सप्लोर इंडिया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ जितनी चीजें हैं कहीं नहीं है। आपको बर्फ भी मिलेगी, पहाड़ भी मिलेंगे, समुद्र भी है, सब कुछ है, क्या नहीं है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया घूमिए और आनंद उठाइए इस चीज का। खूबसूरत है, आनंद उठाइए। फॉरेन जाना कोई फैशन नहीं है, अपनी इंडिया में फॉरेन भी जाइए पर इंडिया की जगह को भी एक्सप्लोर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का हम लोगों को ये बढ़ावा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ अरुणाचल में परशुराम कुंड है, जो हाँ गए थे आप? जी जी जी, परशुराम कुंड। परशुराम कुंड में वो परशुराम कुंड का वो फरसा जो है, वो निशानी भी देखनी चाहिए, वो भी एक अमांड तीर्थ क्षेत्र है। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैडम पूरा डांस कर रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ में सब आनंद उठाते हुए गाइस। स्टेडी, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुल हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। वाह 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 वाह, देख सकते हैं फूल आनंद उठ। ये तो बढ़िया हुआ शोभा जी जूता पहन लिए। बोल लीजिए मैडम फूल आज। जय श्री राम, जय श्री राम। इधर भैया हम लोग, चलिए मैडम चलिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दूल्हे जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। वाह 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 वाह, सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फौजी भाई के लिए हम लोग बहुत बहुत अच्छा लगा, आभार प्रकट करते हैं। ये चंद लाइनें हमारे देश के उन नौजवानों के लिए है जो इतनी बर्फीले स्थानों पे, दुर्गम स्थानों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, और उन्हीं के लिए आज हम नागरिक देश के सुरक्षित है। देश के लिए कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत माता की जय। आइए आइए सब।
भाई आप आप देख रहे हैं ये हमारे लीडर साहब पुणे से आए हैं, ये कलकत्ता से, गुवाहाटी से, नाजिरा से, धोला से, हमारे ग्रुप 20 जनों का आए हैं और बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैडम बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न राज्य से, विभिन्न प्रकार के हर एक स्टेट से यहाँ पर लोग आए हुए और यहाँ का मायोडिया का लुत्फ उठा रहे हैं, यहाँ पे जो बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। अभी मैडम लोग डांस कर रहे हैं, देख सकते हैं। जाओ चले 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 पहाड़ बोगा बोगा सेनी माई गोपो फूल अनिसु ओ सेनी माई बेका बेकी के साय मुरे बोली जाना खाला खुला खुली के कोई दीवा जो दिए दिया पाती बाहर। सो गाइस देख सकते हैं मैडम लोग फुल एंजॉय करते हुए। सो दोस्तों देख सकते हैं फुल एंजॉय मैडम लोग। वाह 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 वाह, थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो दोस्तों तस्वीरें लेना भी जरूरी है क्योंकि आईने बीते हुए कल बताया नहीं करते गाइस, इसलिए हमने तस्वीरें भी ले लिया, हमने वीडियो भी बना लिया। जब भी हम ये चीज देखेंगे फिर मायोडिया का याद हमें याद आएगा। इसी के साथ अंकल लोग से मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। बहुत ही मिलकर अच्छा लगा। जय सिया राम। वाह वाह, थैंक यू सो मच। देख सकते हैं मैडम ने चाय ऑफर किया है हमें। यस सो गाइस अच्छा अच्छा, सो गाइस मैडम ने चाय ऑफर किया इतनी ठंडी मौसम पर, ये चाय का आनंद ले रहे हैं मैं, देख सकते हैं बहुत ही मीठी चाय है। सो गाइस फाइनली हमका मैगी आ चुका है, मैगी का आनंद उठाते हुए देख सकते हैं गाइस। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा हम लोग ने काफी एंजॉय किया, काफी बात किए, काफी देश के हित में बात किया गाइस, बहुत ही अच्छा लगा। मैडम लोग से भी मिला जो कि काफी दूर दूर से आए हुए थे, उनसे कुछ एक दो बातें शेयर की, बहुत ही अच्छा लगा गाइस। वाकई में सच ग्रेट डे फॉर अस। आप भी आइए ऐसी सुंदर जगह, ऐसे प्राकृतिक सुंदरता को निहारने का मौका आप गवाइए मत गाइस, बहुत ही अच्छा है गाइस। आप देख सकते हैं हम लोग ने कितना एंजॉय किया, बहुत ही मज़ेदार टीम को मिला जो बहुत ही मस्त है यार गाइस, बहुत ही मस्त है। वो लोग शायद बहुत ही दूर दूर से आए हैं, कोई आसाम से आए, कोई पुणे से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, बहुत ही विभिन्न जगह से आए थे, उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा बहुत। सो अभी बताइए आपको मायोडिया आके कैसा लगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ देखिए आप मतलब जिंदगी के मजा उठाने ना घर पे बैठ के मजा उठाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल जिंदगी का मजा लेना ना लाइफ को रिस्क में डाल के ना थोड़ा सा जान जोखिम में डाल के चलो वो तो हो ही जाता है, मतलब मजा लेना है। जैसे आपके बर्फीला एरिया हो गया, हिल एरिया हो गया, कहीं भी आप बीच में जाइए
जंगल या जंगल में भी आप इंजॉय तौर में जाओगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी बर्फ देखिए, ना कोई गिला ना कोई शिकवा दिखे, आए इतनी दूर से हमारी तरह और कितने लोग आए, यंग ओल्ड सभी आए यहाँ पे मजा लेने के लिए। सभी ने एंजॉय किया, भर के एंजॉय किया गाइस। तो आप लोग अरुणाचल प्रदेश, मतलब आप लोग अरुणाचल प्रदेश बोलने से मतलब एक अंदर से फीलिंग्स होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें सब कुछ है आपके लिए। ये देखिए छोटा सा मतलब स्नो आइसलैंड कितना अच्छा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत वादिया को देखिए। ऐसे तवांग में जाइए आप, तवांग में भी काफ़ी सारा भरपूर बर्फ है, लेकिन जिसके घर से ये से रोइंग तेजू धौला जिससे घर से दूर है तवांग, जिसको काफ़ी दूर पड़ता है, तो वो तवांग में जाके इधर आ सकते हैं आप, देखिए कितना अच्छा लगे। हमारे भाई बहुत इंजॉय करे, तो दोस्तों को मैं यही कहना चाहता हूँ आप इंजॉय करिए। थैंक यू। निकलते हैं ब्रो। सो गाइस फाइनली हम लोग का माइडिया का ये सफ़र ख़त्म होते हुए, और हालांकि अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं, और जाते वक्त बहुत संभाल के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत कोहरा ही कोहरा हो चुका है। हर एक स्टैंडिंग पर हमें हॉर्न देते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, पर हम लोग सफर में ऐसा नशा अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये इधर पर देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया है गाइस। तो गाइस इसी के साथ अभी हम लोग निकलने वाले हैं, बहुत ही अच्छा लगा गाइस। सो गाइस हम लोग ने काफ़ी इंजॉय किया, जब आते वक्त काफ़ी जोश के साथ आए थे, भर भर के सपने लेके आए थे कि माइंडिया फर्स्ट, फाइनली फर्स्ट टाइम था हम लोग का, जो आके जो यहाँ का माहौल देखा ना गाइस, वाकई में दिल खुश कर दिया। अब भी आइए एंजॉय करिए, ये जगह बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर है। देखिए हालांकि हम लोग यहाँ पर बोट पे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लोगों ने जो राइडर है उन्होंने अपना अपना स्टिकर यहाँ पर छोड़ कर गए हुए हैं, देख सकते हैं वेलकम माइडिया पास। देख सकते हैं इसकी ऊंचाई 2655 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग का ये माइडिया का ट्रिप सक्सेसफुल रहा, बहुत ही मज़ेदार जर्नी रहा हम लोग के पास। जब आते वक्त काफ़ी धूप था, हम रोइंग से जब निकले थे तो वहाँ पर लगभग 20 डिग्री या 20 प्लस लगभग 20 या 22 डिग्री का तापमान था, और यहाँ की हालांकि इधर पर तो बहुत ही ठंड है, नीचे साइड पूरा धूप लगी हुई है, इधर पर देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा, आप भी आइए और इस माइडिया पास में एंजॉय करिए, एक्सप्लोर करिए आप। सो गाइस इसी के साथ हम लोग निकलने वाले हैं, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और छोटी छोटी और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए गाइस। हालांकि देख सकते हैं इधर पर काफ़ी मज़ेदार बर्फ क्लीन करने वाला मशीन है, और इसी के साथ गाइस हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और हो सके तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए। आपसे फिर मिलेंगे अगले व्लॉग पर, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।